हेलो फ्रेंड्स वेलकम माय चैनल आपको BBA नहीं आता है एंड आप चाहते हैं कि एक डाटा एंट्री फॉर्म बनाए एक्सेल में या सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जैसा कि हमने सीरीज स्टार्ट कर रखा है जहाँ पे आप सीखेंगे फ्रॉम बिगनर टू एडवांस तो बने रहिए और स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आप देखिए कि मैंने एक फॉर्म बनाया है डाटा एंट्री फॉर्म इसमें क्या क्या है वो समझिए सबसे पहले कि यहाँ पे जब आप कर्सर इंटर करेंगे तो आप देखेंगे आपका कर्सर डायरेक्ट जहाँ पे डाटा एंट्री करना है वही जाएगा और साथ में और ये जो डाटा एंट्री बना है इसमें आपको बीबीए का नॉलेज होना जरूरी नहीं है अब जैसे यहाँ पे हम अगर करते हैं कि राजा फादर्स नेम कर देते हैं राम प्रकाश जेंडर कर देते हैं और यहाँ पे कॉन्टेक्ट हम डाल देते हैं कोई नंबर उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं और डेट डालते हैं तो डेट हम डाल देते हैं एक चार दस क्लास हम कर देते हैं एट कर देते हैं थ्री कर देते हैं तीन हजार दो हजार और आधार जो भी है वो डाल देते हैं अब मुझे यहाँ पे फोटो लगाना है तो फोटो लगाने के लिए हमें क्या करना होगा हमें यहाँ इलस्ट्रेशन में जाके हम पिक्चर प्लेस में सेल कर देंगे अब यहाँ पे हम कोई फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं अब हम यहाँ पे जैसे ही इसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका जो डाटा है वो यहाँ सेव हो गया है विथ पिक्चर और ये सारे जो है बिना नॉलेज के आप कर सकते हैं इस तरह का डाटा एंट्री आप आज सीखेंगे तो चलिए अब इसे बनाया कैसे है इसके बारे में बात करते हैं तो आप भी नहीं जानते हैं या इसका नॉलेज नहीं है लेकिन आप कुछ ऑटोमेटेड डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे तो मान लीजिए कि हमारे पास ये डाटा है अब इस डाटा में हमें क्या करना है एंट्री करना है एक फॉर्म की तरह और कुछ ऐसा बनाना है जैसे इसमें क्या है कि हमें सामने सामने लिखना पड़ेगा और अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा डाटा हो गया तो फिर बार बार हमें नीचे जाके देखना पड़ेगा और इंटर आप करेंगे मैनुअल आप तो इसको थोड़ा सा ऑटोमेट करें और हम फॉर्म बना ले थोड़ा सा लुक अच्छा लगे अप्लीकेशन की तरह आपका दिखे सॉफ्टवेयर की तरह दिखे कोई इसे डिलीट ना कर सके तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक फॉर्म बनाएंगे लेकिन क्योंकि हमें बीवीए नहीं आता है तो हम इसे बनाए कैसे तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ये बेसिक सीरीज जो चल रहा है उसमें हमने बताया था माइक्रो रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं उसी चीज को हम थोड़ा एडवांस लेवल पे आपको आज बताने जा रहे हैं अभी इसको हम कॉपी कर लेते हैं कि हम हमें पता चले कि इसका हेड क्या क्या है जिससे कि हमें फॉर्म बनाने में आसानी हम इसको कॉपी करके यहाँ चलते हैं और यहाँ पर जस्ट एक स्पेशल वैल्यू कर लेते हैं अब हम चाहते हैं सबसे पहले चाहते हैं कि जब हमारा एप्लीकेशन खुले तो इस तरह खुले राइट यहाँ पे ये यह सब चीज ना दिखे तो ये सब हम बताएंगे कि ये सब कैसे आप हाइड कर सकते हैं और एक्सल सीट में भी एक अच्छा अप्लीकेशन बना सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे जहां तक स्क्रीन हमारा दिख रहा है थोड़ा उससे ज्यादा तक चल के इसके बैकग्राउंड को कलरफुल कर देंगे कुछ अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं कि मैं इसे हाइड अनहाइड कर पा रहा हूं ये इसलिए कर रहा हूं कि शॉर्टकट की आप यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एफ वन तो आपका क्या होगा ये हाइड हो जाएगा और दोबारा प्रेस करेंगे अनहाइड हो जाएगा हम इसका कलर ले, ले लेते हैं मान लीजिए कि एक सॉफ्टवेयर के लुक का ही कलर होता है इस तरह में ये ज्यादा ही ब्लैक हो गया तो इसको ज्यादा ब्लैक नहीं लेते हैं इस टाइप में लेते हैं अब हम चाहते हैं कि सीरियल नंबर जो है वो यहाँ पे रहे आपने माइक्रो रिकॉर्डिंग में कभी भी सीरियल नंबर नहीं देखा होगा बहुत सारा वीडियो देखा होगा लेकिन यहाँ पे आप कैसे करेंगे चलिए हम वो बताते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर डाल लीजिए और इसके पहले यहाँ पर थोड़ा सा इसको लुक अच्छा देने के लिए क्या कीजिए कि इसको यहाँ पे मर्ज करके यहाँ पे लिख दीजिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और इसको बोल्ड कर देंगे अभी हम इसे सारे को व्यू रखते हैं जिससे कि इसका फॉर्मेटिंग कर सके इसका फोन साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे कलर वगैरह देना है तो कलर हम दे सकते हैं और इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना अगर थोड़ा और लाइट देना चाहे तो ज्यादा सही रहेगा हम इसे थोड़ा और लाइट कर देते हैं हम ये कलर में देते हैं अब स्टूडेंट नेम जो है इसे भी थोड़ा बड़ा करते हैं जिससे कि अच्छा लगे और इसे बोल्ड कर देंगे फाइन और यहाँ पर हम कोई डाटा डालेंगे तो ये तो फील्ड सही है अब दूसरा फील्ड यहाँ पे बनाएंगे हम क्या रहेगा सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देंगे डेट डेट के बाद क्या है या एक काम करते हैं इसको यहाँ से कट करते हैं और डेट हम डाल देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं स्टूडेंट नेम फिर कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे फादर नेम फिर यहाँ पर कर देंगे हम जेंडर जेंडर में हम ऑप्शन का यूज नहीं कर रहे हैं ऑप्शन बटन का हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन ही यूज करेंगे और हम यहाँ पे कर देंगे फिर कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद इस साइड हम चलेंगे और इस साइड में हम डालेंगे को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे कर देंगे आधार में इससे हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा और बड़ा कर और इस सबका के साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसका अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर में अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो ये जिसमें डाटा फिल होगा वो भी थोड़ा कलरफुल हो इसे यहाँ तक ले आते हैं इसको जो है यहाँ तक ले आएंगे अब इसको हम मर्ज कर देते हैं इससे कर देंगे हम सेंटर अलाइनमेंट और इन सब को हम लेफ्ट अलाइनमेंट ही रखेंगे इसका ही फोन साइज बड़ा कर देते हैं अब सभी को सिलेक्ट करके इसके बैकग्राउंड को हम या तो व्हाइट कर देंगे या थोड़ा दूसरा कलर में देंगे इसको फिल कर देते हैं हम अच्छा आप देख रहे हैं कि इसके और इसके बीच में थोड़ा भी गैप नहीं है अच्छा नहीं लग रहा है देखने में तो अगर आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं एक रो, और इस सब को क्या है कि कलर से हटा दीजिए इसको यहाँ पे इसके कलर को हटा कर इसे छोटा कर देते हैं तो ये हो गया अलग अलग अब इसमें थोड़ा और अच्छा डिजाइन दे दीजिए कि इस सब को सिलेक्ट कर करके इसमें अंडरलाइन कर दीजिए यानी नीचे का बॉर्डर दे दीजिए जिससे कि अच्छा लगे देखने में चलिए पहले इसको करके देखते हैं क्या ऐसे अच्छा लग रहा है और साथ में आज मैं आपको एक नया चीज भी बताऊंगा इससे पहले आपने नहीं देखा होगा कि कभी माइक्रो रिकॉर्ड के साथ पिक्चर का यूज किया है नहीं किया है वो आज हम करके आपको बताएंगे तो चलिए हमें पिक्चर लेना है तो पिक्चर हम क्या करेंगे हम किसी एक सेल में पिक्चर को इंसर्ट करेंगे बट ये ध्यान रखिएगा सेल को या तो आप बड़ा छोटा कर ले मर्ज नहीं कीजिएगा ठीक है यहाँ पर हम एक्स्ट्रा सेल इंसर्ट कर लेते हैं और इसके बीच में जो गैप है यहाँ पे हम इमेज को यूज करते हैं तो यहाँ पे हम इसे इंसर्ट कर लेते हैं एक और और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि फोटो को यूज करना हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि हमें फोटो मर्ज भी नहीं यानी सेल को हमें मर्ज करने की जरूरत नहीं एक एक रो और एक्स्ट्रा ले लीजिए इसको यहाँ सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा लिया है तो इसे भी थोड़ा छोटा कर देते हैं राइट और नीचे में भी एक थोड़ा सा जगह दे दीजिए जिससे कि बॉर्डर हम चारों तरफ दे सकते अब हम क्या करेंगे इसे डिलीट कर देते हैं और यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ तक आएंगे और यहाँ पर और भरा कर लेते हैं जिससे कि फॉर्म जैसा दिखे हम इसलिए चाह रहे हैं ऐसा तो हम यहाँ तक इसे कर लेते हैं और यहाँ पर इसको कलर दे देते दे हैं हम सॉरी बॉर्डर दे देते दे हैं दे दे ठीक लेकिन इसका बॉर्डर कलर हम कुछ अलग देना चाहते हैं फॉर्मेट सेल में जाकर बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ से हम कलर चूज कर लेंगे तो कलर हम मान लीजिए कि ये रेड कलर का यानी ऑरेंज कलर का लेते हैं फाइन तो ये हमारा हो गया अब इसके साथ इसका जो बैक कलर है ना ये हम चाहते हैं थोड़ा दूसरा कलर का हो कि बाहर का तो ऐसा रहेगा लेकिन यहाँ पर जो ये कलर होगा ये दूसरा हो हमारा हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसका कलर अलग देंगे इससे पकड़ लेते हैं बट इससे पहले जो जो येलो कलर में है उसको हम अनसिलेक्ट कर लेंगे तो इस इसपे क्या करेंगे कंट्रोल प्रेस करके इस सब पे दोबारा हम सिलेक्ट कर लेते हैं जिससे ये डिसलेक्ट हो जाए और हम यहाँ पे जाएंगे और इसके कलर को कुछ और कलर देना चाहते हैं तो हम कलर यहाँ पे दे देते हैं और इसके भी कलर को जो है चेंज कर देते हैं फॉर्मेट सेल में चल के और यहाँ पे इसे भी कर देंगे ऑरेंज और इसे चारों साइड में मोटा वाला ही दे देंगे तो इसे भी यहाँ पे सेलेक्ट करके फॉर्मेट में चलेंगे फॉर्मेट सेल और इसका भी फिर नीचे की तरफ ये वाला दे देंगे अब देखिए इसको अगर हाइड कर दे पूरे स्क्रीन पे हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख रहा है अगर ये थोड़ा सा लग रहा है कि डीप है और थोड़ा सा लाइट होना चाहिए या वाइट रहना चाहिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम एक काम करते हैं इसके अंडर लाइन का नीचे का जो बॉर्डर है इसे भी हम चेंज कर देते हैं इसको भी हम ऑरेंज ही कर देते हैं तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं हमें लगता है ना कि ये सारा जो है एक ही कलर से फिल होना चाहिए तो और अच्छा लगेगा तो हम इसे करते हैं काम इसे हम कर देते हैं इस कलर से फिल अब हम चाहते हैं कि ये जो है इन सब के आगे यहाँ पे एक पतला बॉर्डर आ जाए क्या करेंगे इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके यहाँ पे ये डॉट डॉट को सिलेक्ट करके और नीचे में ये वाले साइड को हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लाइन आ गया ओके कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बॉर्डर आ गया तो ये अच्छा लग रहा है थोड़ा सा अब ठीक है अब सवाल ये उठता है कि सपोज देट मान लो कि यहाँ पे जब आप इंटर करोगे तो एंट्री करने में अच्छा नहीं लग रहा है ना बन नहीं रहा है मान लीजिए कि इस तरह का फॉर्म है आपका थोड़ा आप बड़ा कर लेते हो आपके पूरे स्क्रीन में आ गया ये अब यहां से हम एंट्री करना शुरू करेंगे दो दो बार की को प्रेस करना पड़ेगा दिस इज मोस्ट ट्रिकी पार्ट तो इसको हम कैसे करेंगे तो आप लोग यूज करते होंगे यही इसी को हम बोलते हैं कि अपना लॉजिक यूज करना अपने मेथड को अप्लाई करना तो यहाँ पे हम क्या करेंगे चलिए आप लोग क्या जानते हो लॉक सीट को प्रोटेक्ट करने का लेकिन अगर अभी हम प्रोटेक्ट कर दें और ओके okay कर दें तो अभी क्या होगा फिर भी सारे सेल में हमारा कर्सर जा रहा है लेकिन हम चाह रहे हैं कि केवल ये सब में जाए जो जिसमें डाटा हमें फील करना है केवल उसमें जाए बाकी में ना जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे अगर अभी आप लॉक कर रहे हैं मान लीजिए प्रोटेक्ट कर दीजिए अभी क्या हो रहा है सिलेक्ट लॉक सेल भी है और सिलेक्ट अनलॉक सेल भी है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं मान लीजिए कि लॉक सेल को हटा देते हैं और ओके okay करते हैं अभी आप देखेंगे किसी भी सेल पे अगर क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है नहीं काम कर रहा है मतलब क्या है यहाँ सेल क्या क्या तो हमको में नहीं करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे? हम लाएंगे. आप कहेंगे माइक्रो रिकॉर्डिंग में ऑटोमेटिक सीरियल नंबर कैसे लाएंगे तो आ जाएगा वो भी आसान है तो चलिए यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं जिसको जिसको करना है, तो इसे सिलेक्ट करना है कंट्रोल के साथ हम इन सब को कर सेलेक्ट, कर तो सेलेक्ट कर लेंगे चलिए इसे सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे इमेज लेना है तो इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए फॉर्मेट सेल जाइए और इस लॉक को हटा दीजिए से कर देते हैं अब चलिए हम इसे थोड़ा लॉक करके देखते हैं यानी प्रोटेक्ट करके देखते हैं ओके okay करते हैं अब यहाँ पे हम देखिए हमारा कर्सर कहाँ जा रहा है इसमें नहीं जा रहा है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो मान लीजिए यहाँ पे अजय कुमार कर दिए यहाँ पे अपना हम कुछ डाल देते हैं मेल हो गए उसके बाद कॉन्टेक्ट फोटो है उसके बाद डेट है तो हम एक चार चौसी कर देते हैं क्लास हम फाइव कर देते हैं और सिंह ये ड्रॉप डाउन से मैंने बनाया है डाटा वैलिडेशन से ये क्योंकि एक्सेल से रिलेटेड है तो इस ज्यादा हम जोर नहीं दे रहे हैं हालांकि सब एक्सेल से ही रिलेटेड था बट अभी जो हम बता रहे हैं वो थोड़ा ट्रिकी है और फी हम कर देते हैं तीन हजार और आधार नंबर हम कुछ भी डाल देते और यहाँ पे हमें इंसर्ट करना है तो अभी क्या हुआ हमारे इजिली बड़ी ही आराम से डाटा एंट्री कर पा रहे हैं राइट अब हमें यहाँ पे क्या करना है इंसर्ट करना है इमेज यहाँ पे आएगा बड़ा ही ध्यान दीजिएगा स्कीप अगर कोई लोग बीच में किए होंगे तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इंसर्ट में जाएंगे हिल पे क्लिक करेंगे तो आप फिर चकरा जाएंगे अरे ये क्या यहाँ तो इंसर्ट करना ही नहीं दे रहा है जबकि ये तो लॉक है नहीं तो फिर ये क्यों नहीं इंसर्ट करने देगा तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सोचिए जब भी किसी भी रूप से अगर आपका सीट प्रोटेक्ट होता है तो आप ये इंसर्ट वगैरह नहीं कर पाते हो राइट right? तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम जाएंगे अपने रिव्यू में अनप्रोटेक्ट करेंगे फिर प्रोटेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए एक एडिट ऑब्जेक्ट आता होगा इस एडिट ऑब्जेक्ट को हम इनेबल कर देंगे मतलब कि अगर कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह डालना है तो हम उसे डाल सकते हैं और यहाँ पे हम ओके okay कर देते हैं बेसिकली यहाँ पे जो जो आप इनेबल कर देंगे वो आप इसमें कर सकते हैं तो क्योंकि हमें सब कुछ नहीं देना है हमें क्या देना है एडिट के लिए देना है अनलॉक सेल देना है तो क्योंकि पिक्चर है ये हम यहाँ पे ओके कर देते हैं अभी अगर आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे ना यहाँ पे है, हम इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट में भी ध्यान रखिएगा और उसके बाद दिस डिवाइस से लीजिए और यहाँ पे मान लीजिए कि हम चलिए इसी पिक्चर को हम ले लेते हैं ठीक है तो ये पिक्चर भी यहाँ पे आ गया इसका अलाइनमेंट दे दीजिए सेंटर में करके तो हम रिव्यू में चलते हैं अनप्रोटेक्ट करके होम में जाके इसे सेंटर कर देते हैं एक बार कि ये सेंटर में आ जाए राइट right? अब इसको हमें क्या करना है हमें सेव करना है तो सेव करने के लिए हमें क्या करना होगा माइक्रो रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा तो अब हम चलते हैं माइक्रो रिकॉर्डिंग तो चलिए पहले इसको क्या करते हैं रिव्यू में चल के इसे हम प्रोटेक्ट सीट कर देते हैं यहाँ पे एक बटन लेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे अच्छा उससे पहले एक चीज और अनप्रोटेक्ट में कर रहा हूँ फिर से और यहाँ पे सीरियल नंबर चाहिए ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक सीरियल नंबर कैसे आएगा तो यहाँ पे हम मैक्स पे यूज कर लेंगे मैक्स और इस डाटा पे इसमें जाएंगे और जो हमारा स्टूडेंट आईडी का कॉलम है उसे सिलेक्ट कर लेंगे और इंटरप्रेस करेंगे तो यहाँ पे जीरो जीरो आ रहा है इसमें प्लस वन कर देंगे तो हमेशा एक आएगा लेकिन इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग डिजाइन में चाहिए तो हम इसके फॉर्मेट में जाएंगे कंट्रोल वन प्रेस करेंगे नंबर में जाके और कस्टम में जाएंगे हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है अच्छा सा दिखे यहाँ पे तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे अपने फनवीए फन और उसके बाद अच्छा देखिये वीवीए फन ये पूरा नहीं ले रहा है फोर थ्री ले रहा है बीच में तो हमें इसको लेना होगा डबल कोट में यहाँ पे डबल कोट में लीजिए उसके बाद एंड करके यहाँ पे चार पांच जो भी शून्य देना है शून्य दे दी और ओके कर तो ये देखिए आ गया सॉरी एंड नहीं देना है यहाँ पे एंड हम दे दिए गलत किए हैं यहाँ पे एंड हमें नहीं देना है ऐसे ही देना है ये ऑटोमेटिक ले लेगा इसके बीच में अगर कुछ देना है हाइफन वगैरह तो हाइफन दे देते दे हैं दे दे और हटा देते दे हैं दे. तो ये इस तरह हमारा स्टूडेंट आईडी हो जाएगा राइट right? ओके okay. अब हमें इसे सेव करना है तो एक बटन इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे. तो चलिए सेव में चलते हैं इसे हम सेव कर लेते हैं और यहां पर बनाते हैं सबमिट अब इसको थोड़ा डिजाइन दे दीजिए हम इसे ले लेते हैं आ, इस तरह में लेते हैं इसके इफेक्ट में बेवल में जाएंगे और इसको थोड़ा बेवल टाइप का दिखाएंगे जिससे कि अच्छा लगे और इसमें हम लिख देंगे सबमिट का अलाइनमेंट कर देते हैं होम में चलते हैं फॉन्ट बड़ा कर देते हैं गोल्ड कर देंगे और इसके कलर को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है जिससे कि इसका जो सबमिट बटन है वो भी देखने में अच्छा लग रहा है ओके okay, डन अब इसको हम कर लेते हैं बीच में ही रखते हैं अब हमें डाटा वो करना है सेव तो हम कैसे करेंगे सेव तो चलिए सेव करने से पहले एक बार मैनुअली करके देख लेते हैं कि हम करेंगे क्या तो एक बार चलते हैं अपने रिव्यू में इस सीट को अनप्रोटेक्ट कर देंगे अब हम क्या करेंगे हम चाहते हैं कि इन सब को यहाँ से कॉपी करें जैसे हमने माइक्रो रिकॉर्ड के लिए कल बताया था कि जो जो हम करेंगे वही काम वो रिपीट करेगा तो हम इस सबको सिलेक्ट करते हैं पहले और इसको कॉपी बट ये क्या कर रहा है अभी मुझे अलाउ नहीं कर रहा है पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहा है तो खैर खैर कोई नहीं हम एक काम करेंगे हम एक एक करके कॉपी करके देखते हैं कि ये कहां तक कॉपी हो रहा है एक बार में तो यहाँ अगर कॉपी कर रहे हैं तो करने दे रहा है अगर इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर रहे हैं तो नहीं करने दे रहा है डन इसका मतलब है कि हमें तीन बार कॉपी पेस्ट करना होगा राइट तो चलिए हम इसके लिए क्या करेंगे अब माइक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो अभी हम सीट को प्रोटेक्ट कर दीजिए जिससे कि आपका ये डाटा एंट्री रहे राइट ये डाटा एंट्री हो गया डन अब हमें क्या करना है डाटा को सेव करना है कि जब हम इस पर क्लिक करें तो हमारा ये डाटा सेव हो जाए और यहाँ से क्लियर हो जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम सबसे पहले डाटा रिव्यू में जाके सीट को अनप्रोटेक्ट करेंगे लेकिन उससे पहले हमको क्या करना होगा होगा माइक्रो को रिकॉर्ड करना होगा तो हम रिकॉर्ड माइक्रो पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे डाटा सेव शॉर्टकट की अगर बनाना है तो बना लीजिए अब हम अभी हम नहीं बना रहे तो ओके कर देते हैं अब देखिए अभी आप कुछ भी करेंगे एक्सेल में तो वो क्या होगा आपके वो माइक्रो में जो माइक्रो है वो रिकॉर्ड होता जाएगा जो जो आप करेंगे ना वो रिकॉर्ड होता चला जाएगा तो हम क्या करेंगे हम यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू करेंगे लेकिन अभी हम अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट नहीं होगा क्यों क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है तो हम जाएंगे रिव्यू में यहाँ पे सीट को एक बार करेंगे अनप्रोटेक्ट उसके बाद हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इन सबको सिलेक्ट करेंगे डन अब हम इसे करेंगे कॉम अब हम जाएंगे अपने सीट टू में ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोनों चीज यूज होगा यूज रिलेटिव रिफरेंस का भी जो हमने कल आपको बताया था लास्ट वीडियो में तो यहाँ पे चलेंगे किसी ब्लैंक जगह पे आप सिलेक्ट कर लीजिए जिसके नीचे कोई कुछ लिखा ना हो तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे सबसे नीचे चला गया फिर हम एक बार लेफ्ट एरो की प्रेस कर लेते हैं क्योंकि देखो ऊपर से हम नीचे की तरफ इसलिए नहीं ला रहे हैं कि अगर कोई डाटा नहीं रहेगा ना तो सीधा ये नीचे चला आएगा यहाँ पे चला आएगा इसीलिए हम ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं और फिर यहाँ से कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे अब एक बार हम अप एरो की के साथ जाएंगे कंट्रोल के साथ कंट्रोल एरो तो की प्रेस करेंगे तब क्या हुआ जो भी लास्ट रो होगा ना वहां जाके ये रुक जाएगा अब हमें एक रो यहाँ से नीचे लाना है तो हमने क्या कहा जो, जहां पे भी लास्ट हो और उसके आगे अगर मुझे जाना है तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है यूज रिलेटिव रिफरेंस हम यहाँ डेवलपर में जाएंगे यहाँ पे यूज रिलेटिव रिफरेंस को हम सिलेक्ट कर लेंगे और हम इसे एक एक बार डाउन एरो की प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम कर लेंगे पेस्ट स्पेशल में जाएंगे हम और यहाँ पे वैल्यू कर लेंगे और ट्रांसपोज मोज में करेंगे क्योंकि तो हमारा क्या है ऊपर से नीचे की तरफ और यहाँ पे कर देंगे ओके okay. तो देखिए ये यह डाटा यहाँ सेव हो गया लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है अब क्या करना है अभी ध्यान रखिएगा यूज रिलेटिव रेफरेंस का काम खत्म नहीं हुआ है इसलिए अभी आप इसे हटाइएगा नहीं अभी हम क्या करेंगे लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे लेफ्ट एरो की प्रेस कीजिए या माउस से यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए ठीक है हम माउस से यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर देते अब हमें क्या करना है यहाँ पे यूज रिलेटिव डिफरेंस को बंद कर देना है क्योंकि हम फिर से बैक सीट में जा रहे हैं तो हम इस सीट में जाएंगे और इस बार हम इस सब को कॉपी करेंगे तो इन सब को सिलेक्ट करके फिर से हम कॉपी करेंगे फिर हम इस सीट में आएंगे और फिर वही प्रोसेस अपना पेस्ट स्पेशल वैल्यू और ट्रांसपोज कर देंगे ओके अब हमें क्या करना है इस कर्सर को यहाँ लेके जाना है सॉरी यहाँ पे कुछ छूटा है इसका मतलब खैर कोई नहीं हेडर चेंज कर देंगे एड्रेस का फी, फील्ड हमने वहां नहीं बनाया है इसलिए यहाँ पे एड्रेस नहीं आया है ठीक है तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है हमें यहाँ यूज रिलेटिव रिफरेंस यूज करना है और कर्सर को कहा रखना है यहाँ पर ले आना है जहाँ पे हमें फोटो को लाना है राइट उसके बाद हम यहाँ पे यूज रिलेटिव रेफरेंस को कर देंगे। अब हम जाएंगे में और इस बार इससे पकड़ेंगे और कॉपी करेंगे और फिर से में जाएंगे और यहां पर हम पेस्ट केवल कर देंगे right. क्या करना है, हमें सीधा यहां चला आना है. में आना है और यहाँ पे पहले से जो भी डाटा है उसे हम डिलीट करेंगे तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं इसे सेलेक्ट कर लेते हैं सबको सेलेक्ट कर लेते हैं ये सबको सेलेक्ट कर लीजिए और हम यहाँ पे डिलीट करके और अपने कर्सर को हम यहाँ रख देंगे उसके बाद रिव्यू में जाएंगे वो टेक्स्ट सीट कर देंगे यहाँ पे जस्ट ओके कर देंगे एंड डन अब हम जाएंगे डेवलपर टैब में स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे दोबारा एक चेक कर लेते हैं कि ऑटोमेटिक होता है कि नहीं होता है लेकिन उसके लिए उससे पहले हम क्या करेंगे इसमें जो है जो अभी हमने माइक्रो रिकॉर्ड किया है उसको हम लगा देते हैं तो यहाँ साइन माइक्रो में जाएंगे और देखिए डाटा सेव आ गया इसको डाटा सेव पे करके ओके कर देंगे अब हम यहाँ पे चलते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे हम कर देते हैं राजीव कुमार देखिए लॉक हो गया ना आपका अब डाटा एंट्री की तरह काम कर रहा है फादर्स नेम हम कर देते हैं उपेंद्र सिंह जेंडर मेल है कॉन्टेक्ट हम कर देते हैं उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डालेंगे डेट डाल देते हैं एक चार चौबीस सॉरी एक चार दस क्लास हम कर देते हैं फाइव चलिए अब फोटो भी एक सिलेक्ट कर इंसर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे स्टेशन में गए पिक्चर में गए प्लेस इन सेल पिक्चर और अभी हम कोई भी फोटो ले लेते हैं और यहाँ पे हम ये फोटो ले लेते हैं और हम इस सबमिट करके देखते हैं क्या ये काम हो गया तो देखिए ये काम हो गया यहाँ पे तीसरा नंबर आ गया और ये लॉक भी हो गया हमारा आप इंटर करके देखिए सारा काम कर रहा है प्रॉपर ओके अब यहाँ पे देखिए सीट टू में जाके देखते हैं क्या ये डाटा सेव हुआ तो देखिए ये हो गया डाटा सेव अब ये फोटो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका साइज छोटा है जितना बड़ा कर देंगे साइज आ जाएगा आई होप आपको ये वीडियो और ये ट्रिक पसंद आया होगा साथ में अगर आप बीबीए सीख रहे हैं तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको खुद समझ में आएगा तो चलिए आपका जैसा भी फीडबैक हो प्लीज कॉमेंट में जरूर डालिए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा वीडियो लग रहा हो इससे कुछ सीख रहे हो तो अपने इसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक करें इसी के साथ धन्यवाद